अनवर खान जी को स्वागत है, तो मैं गिरिराज जी को आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मैं अब हरिराम जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वह आज का जो परिणाम है वो घोषित किया जाए। स्वागत में रतनलाल जी पटीदार का स्वागत है, नेम जी माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाए, साथ ही राजेंद्र जी पीटिया जी सर का स्वागत है, ओम प्रकाश जी पटीदार साहब, नागौर जिला स्तरीय अंतिम क्षण समापन समारोह एवं पारितोषिक वितरण। इस अवसर पर हमारे बीच आज के अतिथि के रूप में नेम जी पालड़िया, बद्री जी, शेखर जी, जिनका हमें पूर्ण सहयोग मिलता है हमेशा, शाश्वत सुखदेव जी, राम किशोर जी, हुकम सिंह जी, अनवर जी, रतनलाल जी पट्टीदार साहब और राजेंद्र जी, निर्णायक मंडल के हमारे जितने भी अधिकारी, निर्णायक मंडल के जितने भी सदस्य हैं, इस राज टैगोर विद्यालय के निदेशक प्रधानाचार्य, उनका स्टाफ, बाहर से जितने भी अभिभावक आए हैं और विशेष तौर से जो इस प्रतियोगिता के कर्णधार हैं बालक एंड बालिका तीरंदाजों, आप सबका मैं अमेरा जी, सुनील जी, जितने भी हमारे इस खेल जगत से जुड़े हुए आदमी हैं उन सबका मैं नागौर जिला तीरंदाजी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरता जगदर हैं, जायसे हैं, डेगाना, कुचामण और जो परचम फेनारे के आगे जो सबसे शिरोमणि में है वो थावड़ा के बालक और बालिकाएं हैं, जिनका पुणे में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने आज के इस कंपटीशन को देखा, इस कंपटीशन में आपको देखने से ये विश्वास हुआ होगा कि हम जो भी निर्णय देते हैं बिल्कुल 100% जो बालक ने मेहनत की है, बालिका ने मेहनत की है, उसी के खाते में वो जाना चाहिए, वही हमने किया है। किसी भी प्रकार की कमी रहने की हमने पूरी कोशिश की है कि कोई कमी नहीं रहे। आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अभिभावकों को विश्वास दिलाते हैं, सबको विश्वास दिलाते हैं कि नागौर जिला तीरंदाजी संघ की ओर से उसी को ही हक मिलेगा जो मेहनत करता है, जो अंक प्राप्त करता है, वही नेशनल